फ्रॉम बियॉन्ड। कहानी की शुरुआत में हमें क्रॉफोर्ड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एडवर्ड नाम के साइंटिस्ट का असिस्टेंट होता है। इस दौरान वो किसी मशीन पर काम कर रहा होता है। इस मशीन को एडवर्ड ने बनाया था। फिर जब क्रॉफोर्ड उस मशीन को ऑन करता है तो उसके आसपास अजीब तरह के क्रीचर दिखाई देने लगते हैं। इसे देखकर क्रॉफोर्ड काफी हैरान होता है। तभी उनमें से एक क्रीचर उसे काट भी लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बड़ी मुश्किलों से उस मशीन को बंद करता है। इससे वो क्रीचर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर क्रॉफोर्ड साइंटिस्ट एडवर्ड के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि रेजोनेटर मशीन काम करने लगी है, लेकिन एडवर्ड को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए क्रॉफोर्ड उसे चलकर देखने के लिए कहता है। फिर जैसे ही एडवर्ड उस मशीन को ऑन करता है, वहाँ पर फिर से वैसे ही लाइटें दिखने लगती हैं। तभी क्रॉफोर्ड देखता है कि उस मशीन के कोड काफी अजीब तरह से बदल रहे हैं, इसीलिए वो एडवर्ड से उस मशीन को बंद करने के लिए कहता है। लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं और देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मशीन मुझे वो चीजें दिखा सकती है जो मैंने कभी नहीं देखी। इधर हम देखते हैं कि इन सब लाइट्स और आवाजों की वजह से एडवर्ड की पड़ोसन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। तभी उसका डॉग भागते हुए एडवर्ड के घर चला जाता है, इसीलिए उसका पीछा करते हुए वो भी एडवर्ड के घर पहुंच जाती है। उसी समय क्रॉफोर्ड वहां से भागने की कोशिश करता है, जिससे वो पड़ोसन भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर भागती है। फिर क्रॉफोर्ड जैसे ही बाहर आता है, वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं जो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि एडवर्ड बहुत बुरी तरह से मारा जा चुका है। फिर हमें पागलखाने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ऑफिसर जॉर्डन डॉक्टर ब्लोच को डॉक्टर कैथरीन से मिलवाता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। यहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फिर डॉक्टर ब्लोच कैथरीन को क्रॉफोर्ड से मिलवाती है तो वो उससे एडवर्ड की रिसर्च का पर्पस पूछती है। अब क्रॉफोर्ड बताता है कि वो मशीन रेजोनेट वाइब्रेशन की हेल्प से इंसान के तीसरे नेत्र को खोल देता है, जिससे इंसान के महसूस करने वाले बॉडी पार्ट्स बहुत ही अलग तरह से काम करने लगते हैं। लेकिन कैथरीन को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो समझाता है कि ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है बल्कि हमने इस पर रिसर्च की है। फिर जब वो रिसर्च के बारे में पूछती है तो क्रॉफोर्ड बताता है कि हमें क्रीचर दिखाई देने लगे जो हवा में तैर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्रीचर हमेशा इंसानों के आसपास ही रहते हैं, लेकिन बिना रेजोनेटर उन्हें ना तो हम देख सकते हैं और ना ही वो हमें। इसी वजह से मैंने उस मशीन को नष्ट कर दिया। इस समय क्रॉफोर्ड किसी चीज के आने के बारे में भी बताता है, जिसने एडवर्ड का सर काट दिया था। इसके बाद कैथरीन डॉक्टर ब्लोच से क्रॉफोर्ड का सीटी स्कैन करने के लिए कहती है। अब इससे उसे पता चलता है कि क्रॉफोर्ड की तीसरी आंख नॉर्मल लोगों से ज्यादा बड़ी है, जिससे उसे लगता है कि शायद क्रॉफोर्ड पागल नहीं है। इसीलिए वो ऑफिसर जॉर्डन से अपनी निगरानी में क्रॉफोर्ड को छोड़ने के लिए कहती है, जिससे वो ये प्रूफ कर सके कि क्रॉफोर्ड जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। हालांकि डॉक्टर ब्लोच इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन जॉर्डन कैथरीन को इस चीज की परमिशन दे देता है। फिर कैथरीन क्रॉफोर्ड को अपनी रिसर्च फिर से स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है। इस बात पर कैथरीन कहती है कि या तो तुम उस मशीन को ठीक करके अपनी रिसर्च को प्रूफ करो, या फिर हमेशा के लिए यहाँ पर बंद रहो। इससे क्रॉफोर्ड मजबूरन इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पर सार्जेंट बूबा आता है, जिसकी निगरानी में सारे काम होने वाले थे। इसके बाद वो सब मिलकर एडवर्ड के घर पहुँचते हैं। इस दौरान क्रॉफोर्ड बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है, और क्योंकि घर में लाइट नहीं थी, इसीलिए बूबा और कैथरीन मेन स्विच ऑन करते हैं। अब उन्हें वहाँ पर एक केबल का सेट दिखाई देता है, जिससे कैथरीन समझ जाती है कि वो केबल डायरेक्ट रेजोनेट से कनेक्ट है। फिर वो दोनों रेजोनेटर के पास पहुँचते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद क्रॉफोर्ड कैथरीन पर कुल्हाड़ी से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बूबा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसे ही एडवर्ड को भी मार दिया होगा। इस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ इस मशीन को तोड़ रहा था। फिर क्रॉफोर्ड वापस से उस मशीन को ठीक करके स्टार्ट कर लेता है। इससे वापस से क्रीचर वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं और उनमें से एक क्रीचर बूबा को काट लेता है। फिर जैसे ही क्रॉफोर्ड उस मशीन को ऑफ करने की कोशिश करता है, तभी उसे वहाँ पर एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है, जो काफी अजीब दिख रहा था, और वो उसे कैथरीन को अपने पास लाने के लिए कहता है। इस दौरान उसे जिंदा देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। इसके बाद एडवर्ड खुद के चेहरे को छूता है, वो बहुत ही अजीब बन गया था। फिर वो कहता है कि ये सिर्फ एक बॉडी है जो बदलती रहती है, लेकिन मेरा दिमाग हमेशा के लिए जिंदा है। इसके बाद उसकी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर बाहर निकलता है। इस दौरान बूबा उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉफोर्ड उस मशीन को बंद कर देता है, इससे एडवर्ड भी वहाँ से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बूबा और क्रॉफोर्ड चाहते हैं कि अब वो लोग इस घर को छोड़कर वापस चलें, क्योंकि ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि क्रॉफोर्ड पागल नहीं है। लेकिन कैथरीन कहती है कि हमें उस मशीन को दोबारा चालू करना होगा। इस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन कैथरीन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर हम देखते हैं कि कैथरीन अकेले ही उस मशीन के पास पहुंचती है और ऑन कर देती है। तभी क्रॉफोर्ड को ये चीज महसूस हो जाती है, इसीलिए वो उसे रोकने के लिए मशीन के पास पहुंचता है। लेकिन जब वो कैथरीन से मशीन बंद करने
करने के लिए कहता है तो वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है और क्रॉफोर्ड को रोकने के लिए उसे किस करने लगती है। तभी वहाँ पर उन्हें एडवर्ड की आवाज़ सुनाई देती है जो इस दौरान बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे वो खुद भी एक क्रीचर में बदल गया हो। यह देखकर कैथरीन क्रॉफोर्ड को मशीन का स्विच ऑफ करने के लिए कहती है, लेकिन एडवर्ड कैथरीन को पकड़ लेता है और क्रॉफोर्ड से खुद को ज्वाइन करने के लिए कहता है। ये सुनकर क्रॉफोर्ड मेन स्विच ऑफ करने के लिए फ्यूज की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी आवाज़ सुनकर बूबा भी उसके पीछे आता है। और क्योंकि मशीन की रेडिएशन नीचे तक पहुंच रही थी, इसीलिए वहां पर भी उन्हें एक बहुत ही खतरनाक भयानक क्रीचर दिखाई देता है। इधर एडवर्ड कैथरीन को फिजिकली टॉर्चर कर रहा था, इसके बाद वो एक क्रीचर में बदल जाता है और कैथरीन को खाने की कोशिश करने लगता है। फिर क्रॉफोर्ड जब उस क्रीचर से बचते हुए फ्यूज के स्विच को ऑफ करने की कोशिश करता है तो वो क्रीचर उसे खाने लगता है। ये देख कर बूबा केबल को खींच कर मशीन को बंद कर देता है, इससे कैथरीन और क्रॉफोर्ड दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन इस दौरान क्रॉफोर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद कैथरीन उस मशीन की सारी केबल निकाल देती है, इससे वो दोबारा स्टार्ट ना हो, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो मशीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो बूबा से कहती है कि मुझे लग रहा था कि मैं उस मशीन को कंट्रोल कर पाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। अब बूबा उससे कहता है कि ये मशीन हमें चेंज कर रही है, जो कि सही नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कैथरीन कहती है कि मुझे अकेले वो मशीन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए अब हम सब मिलकर उस मशीन को स्टार्ट करेंगे और हम में से एक स्विच के पास ही खड़ा रहेगा, इससे क्रीचर्स के आते ही हम उस मशीन को बंद कर दें। इस दौरान बूबा उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कैथरीन पूरी तरह से उस मशीन के कंट्रोल में आ चुकी थी, वो किसी तरह से उस मशीन से ऑब्सेस हो चुकी थी या उसका कोई और ही मकसद था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि वो अजीब से कपड़े पहनकर बूबा का ध्यान भटकाने लगती है। उसी समय हम देखते हैं कि केबल में खुद ब खुद करंट फ्लो होने लगता है, जिससे वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। तभी क्रॉफोर्ड की नींद खुल जाती है और वो बताता है कि रेजोनेटर फिर से स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बूबा वहां पहुंचकर उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। तभी कैथरीन और क्रॉफोर्ड भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जो मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन पर बहुत सारी मधुमक्खियां अटैक कर देती हैं। ये देखकर बूबा कुल्हाड़ी से केबल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन केबल के कटने के बावजूद उसमें करंट फ्लो हो रहा था, इसीलिए बूबा अपने पास मौजूद टॉर्च से उन मधुमक्खियों को डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर टॉर्च को दूर फेंक देता है, पर उसकी रोशनी बूबा के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, इससे सारी मधुमक्खियां उस पर अटैक कर देती हैं और देखते ही देखते उसे पूरी तरह से खा जाती हैं। ये देखकर कैथरीन काफी दुखी होती है। तभी उन्हें वहाँ पर एडवर्ड दिखाई देता है, जो पूरी तरह से क्रीचर बन चुका था। फिर वो कैथरीन को पकड़ लेता है। इस दौरान वो क्रॉफोर्ड की भी तीसरी आंख निकाल देता है, जिससे वो भी उसके कंट्रोल में हो जाता है। फिर एडवर्ड कैथरीन को भी अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी कैथरीन के हाथ एक सिलेंडर लग जाता है, वो उस सिलेंडर की मदद से मशीन को पूरी तरह से ढक देती है, इससे एडवर्ड वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से कैथरीन काफी खुश होती है। इसके बाद क्रॉफोर्ड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ब्लोच उसके माथे से वो तीसरी आंख निकालने की कोशिश करती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज में नाकाम रहती है, तभी वो आंख खुद ब खुद बाहर आ जाती है। इसे देखकर डॉक्टर काफी हैरान होती है, लेकिन उसके देखते ही देखते वो आंख फिर से अंदर चली जाती है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आए हैं, इसीलिए वो क्रॉफोर्ड को वैसे ही छोड़कर पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है। अब ऑफिसर जॉर्डन उससे कहता है कि कैथरीन बहुत ही अजीब तरह की कहानी सुना रही है, जिससे मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। इस पर डॉक्टर इस चीज के लिए एग्री करती है और कहती है कि आपको इसके कपड़े और हालत देखकर ही समझ आ रहा होगा कि ये पागल हो चुकी है। इस दौरान जब कैथरीन जॉर्डन से बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हें एडवर्ड का बनाया हुआ रेजोनेटर नष्ट करना होगा, तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने एक बार तुम्हारी बात सुनी और मेरा सबसे अच्छा आदमी मारा गया, इसीलिए मैं तुम्हें डॉक्टर ब्लोच की कस्टडी में छोड़कर जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर ब्लोच कैथरीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहती है। ये सुनकर कैथरीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम थी। इधर क्रॉफोर्ड चुपचाप अपने रूम से बाहर आ जाता है, लेकिन इस दौरान उसकी तीसरी आंख बाहर थी, जिससे पता चलता है कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं है। फिर जब डॉक्टर ब्लोच उसे ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचती है, तो वहां पर उसे क्रॉफोर्ड मिल जाता है, जो एक इंसान के दिमाग को बहुत बुरी तरह से खा रहा था। यह देखकर ब्लोच काफी हैरान होती है और कहती है कि इस चीज से तुम बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हो। तभी क्रॉफोर्ड को होश आता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी फिर से क्रॉफोर्ड की तीसरी आंख निकल आती है, इसीलिए वो ब्लोच पर अटैक करके उसकी आंखों को नोच कर बाहर फेंक देता है और उसका बहुत ही बेरहमी से खून चूसने लगता है। इधर एक डॉक्टर जब कैथरीन को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करता है, तभी एक नर्स उसके पास पहुंचती है और बताती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए वो डॉक्टर कैथरीन को खोल रहा होता है। तभी कैथरीन उस पर अटैक करके बाहर आ जाती है। इसके बाद हम क्रॉफोर्ड को देखते हैं, जो लगातार लोगों को एक एक करके
बहुत ही बेरहमी से मारता हुआ एक एम्बुलेंस चोरी कर लेता है और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। इधर कैथरीन भी वापस एडवर्ड के घर पहुंचती है और उसमें बम लगाकर टाइमर सेट कर देती है, इससे वो मशीन और घर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो घर से बाहर निकल पाती, वहाँ पर मौजूद क्रॉफोर्ड उसे पकड़ लेता है और हथकड़ियों से बांध देता है। इस दौरान कैथरीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये घर पूरी तरह से ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता। तभी मौका पाकर कैथरीन उसकी तीसरी आंख काट कर अलग कर देती है, लेकिन तब तक वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। इससे वहाँ पर एडवर्ड पहुँच जाता है जो कैथरीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉफोर्ड उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि तुम तो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। ये सुनकर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रॉफोर्ड का पीछा करने लगता है और उसे पकड़कर खा जाता है। इधर कैथरीन के पास वो क्रीचर पहुंच जाते हैं जो उसके हाथों की हथकड़ियों को काट देती हैं, क्योंकि अब उन्हें क्रॉफोर्ड कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब वो क्रीचर कैथरीन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर एक पेपर जलाकर भाग जाती है। तभी एडवर्ड कैथरीन की तरफ बढ़ने लगता है, इससे वो वापस मशीन के पास पहुंच जाती है जहां एडवर्ड उसे पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाता, उसकी बॉडी को फाड़कर क्रॉफोर्ड बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। वो कैथरीन को वहां से भागने के लिए कह रहा था क्योंकि इस दौरान वो एडवर्ड को रोक रहा था, लेकिन शायद वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाता। फिर जब कैथरीन देखती है कि अब क्रॉफोर्ड भी मारा जा चुका है तो वो खिड़की से कूद जाती है और तभी बम भी ब्लास्ट हो जाता है, इससे एडवर्ड भी मारा जाता है। तभी कैथरीन के पास एडवर्ड की पड़ोसन पहुंचती है, इससे कैथरीन बताती है कि उस क्रीचर ने क्रॉफोर्ड को खा लिया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।